के बरेला थाना अंतर्गत रहने वाली एक 28 वर्षीय मजदूर महिला के साथ उसी के साथियों द्वारा बलात्कार किया गया। जानकारी के अनुसार पीड़ित बलहिरे में काम करती है, जहां उसी के साथ काम करने वाले दो युवकों ने उसके साथ बलात्कार जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रक्षाबंधन का पर्व देश भर में 26 अगस्त को मनाया जाएगा, लेकिन जबलपुर में सरस्वती स्कूल में आज धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। देश की सीमा को सुरक्षा देने वाले सेना के जवानों ने स्कूल की छात्राओं से राखी बंधवाई और उनकी रक्षा का संकल्प लिया। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है, काश मेरा भाई नहीं है तो आज मैंने उनको राखी बांधी, आज से मेरे भाई भी हो गए, मुझे बहुत खुशी मिल रही है और हमारे स्कूल की तरफ से इतनी बड़ी हम लोगों को मिल रही है तो बहुत अच्छा है। किसी स्कूल में ये नहीं होता है कि सैनिकों को राखी बांध जाए, ये हम लोग के स्कूल में होता है, हम लोग को टीचर ये करते हैं। प्रियम विश्वकर्मा। दरअसल सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल द्वारा रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया गया था, जिसमें सेना के जवानों को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर छात्राएं अपने घर से राखी लेकर स्कूल आई थी, जिन्होंने अपने फौजी भाइयों को तिलक लगाकर मिठाई खिलाई और लंबी उम्र के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर स्कूल की शिक्षिकाओं ने भी फौजी भाइयों को राखी बांधकर उन्हें आशीर्वाद दिया। राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के अध्यक्ष और अयोध्या के जानकी घाट स्थित बड़ा स्थान के पीठाधीश्वर महंत जन्मेजय शरण को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कुछ दिन पहले ही पीठाधीश्वर ने थाईलैंड में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था, जिसके बाद उन्हें खामियाजा भुगतने की चेतावनी दी गई। महंत जन्मेजय शरण ने थाईलैंड दौरे पर वहां स्थित अयोध्या नगर के सरयू नदी तट पर राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। दावा किया था कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के विलंब के चलते थाईलैंड में राम मंदिर का निर्माण शुरू किया गया है। महंत जन्मेजय शरण के अनुसार 10 अगस्त की दोपहर मंदिर में किसी अज्ञात ने लिफाफा फेंका था। चिट्ठी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से लिखी गई है। इसमें लिखा है कि थाईलैंड में राम मंदिर बनवा रहे हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर धमकी भरा पत्र भेजने के मामले में अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। वही महंत जन्मेजय शरण का कहना है कि उनके पहले भी जान माल को लेकर धमकी मिल चुकी है, जिसकी शिकायत पुलिस से की गई थी, लेकिन बार बार मिल रही धमकियों से खतरा बना हुआ है। ऐसे में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जानी चाहिए। विरोध मेरी समझ में तो नहीं है, लेकिन कुछ अराजक तत्व होंगे। जैसे वहाँ भूमि पूजन हुई, उसके दूसरे दिन 8 तारीख को भूमि पूजन हुई थाईलैंड में, और 10 तारीख को मेरे मंदिर में भगवान के सामने किसी ने पत्र एक धमकी भरा फेंका कि वहाँ जा कर के जो 10 तारीख को मेरे मंदिर में ये लेटर फेंक करके कोई गया, 10 तारीख में जो छायाप्रति सामने है आपके, इसके बाद हमको फ़ोन पर सूचना दिया गया, व्हाट्सएप पर इसकी प्रति भी भेजी गई, मैंने पढ़ा और तुरंत आदित्य शास्त्री जो यहाँ देख रहे थे व्यवस्था, उनको मेरे शिष्य हैं जो नित्य हवन पूजन अभिषेक कराते हैं, उनको मैंने कहा जल्दी से जल्दी इसको कोतवाली में सूचना दे करके एक प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज करा दिया जाए, ताकि संज्ञान में प्रशासन के रहे, कौन है क्या है तो जांच का विषय है, बाद में जो भी तथ्य आएगा। लेकिन इसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच लिखा हुआ है नीचे, जो आप देख रहे हैं। कोई राष्ट्रीय मंच से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, ना मैं जानता हूँ कौन कौन है राष्ट्रीय मंच में, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है कि हिंदू राष्ट्रीय मंच है, क्या लगता है महाराज? इस बाबत अयोध्या कोतवाल जगदीश उपाध्याय ने बताया कि आदित्य शास्त्री की दलील पर अज्ञात के खिलाफ धमकी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है, मामले की छानबीन की जा रही है। गोना में सपा के पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रताप सिंह के भाई और बहनोई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। वहीं डीसीएम से उनकी गाड़ी टकराने के बाद पलट गई और उसके परखच्चे उड़ गए। वहीं हादसे में डीसीएम का चालक बाल बाल बच गया और वो गाड़ी मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। वहीं हादसा की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और अपनी आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुपरफास्ट इंडिया एक्सप्रेस। नमस्कार।